इस एक्सप्लेनेशन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम टू माय चैनल। एंड ये चैप्टर नंबर 6 है। इसके टोटल 2 पार्ट्स हैं, बट इस एफएफ के मैं इस चैप्टर 1 के फर्स्ट पार्ट को भी मैं कम से कम 2 या 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी, क्योंकि इसकी जो पहले लॉन्ग वीडियो थी वो अपलोड नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए मैं इसे अपलोड करूँगी शॉर्ट में, मतलब 2-3 पार्ट्स में इस चैप्टर 6 के पार्ट को भी। तो शुरू करते हैं क्लाउड रिसेस के द्वार पर। बींग देखता है कि मैं यानी कि बींग गुसु के लैंड ग्लैंड के एंट्रेंस पर देखा था कि वहाँ मुझे यहाँ पिकअप करने के लिए कोई भी नहीं आया है, और ये रात यहाँ है, और मेरा भाई और मेरी बहन वो भी यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे हैं। तो बींग सोचता है शायद वो लोग, मेरी बहन और मेरा भाई पहुंच गए होंगे उस लैन के अंदर, गुसु लैन क्लैन के द्वार से। अगर नहीं तो क्या वो गुसु लैन क्लैन के जो क्लैन के अंदर से बाहर की तरफ एक ट्री के नीचे या फिर किसी अनदर इन में, यानी कोई दूसरे इन, यानी कि रेंटेड हाउस, इन चाइनीज में वर्ड बोलते हैं इनको, हिंदी में बोलते हैं रेंटेड हाउस, यानी कि किराए का घर पर, वो क्या वो बैठ गए होंगे नीचे। तो फिर मेरा भाई और मेरी बहन मुझे भूल गए ये बताना, अगर ये नहीं है तो अच्छा, ये मुझे पर्सनली सेंड नहीं किया मैसेज बटरफ्लाई स्क्रॉल में ये सब लिख के इस न्यूज़ को कि हम लोग एबल नहीं है, यानी कि हम लोग सहमत, यानी कि हम लोग जा ही नहीं सकते लैन क्लैन के अंदर, लैन क्लैन एंट्रेंस से। तो अगर के लैन क्लैन के एंड्रेस से शायद मेरी बहन और मेरा भाई पहुँच गए लैन क्लैन के अंदर, या फिर वो लोग थक गए होंगे और सो रहे गए होंगे लैन क्लैन के रूम्स में। वे आए थे, जब वे आए थे तब वो लैन क्लैन के रूम्स में सो रहे थे, फिर वो थके हुए थे तो सो रहे थे, उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है जो लैन क्लैन के अंदर या लैन डिसेबल द्वारा लैन क्लैन के रूम्स में जाकर या फिर रिंग बजाकर कह दिया होगा कि शायद अब मेरे बहन और भाई यहाँ से लैंड डिसिपल्स कहने पर नहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया होगा। और मैं वॉक यानी कि चल रहा हूँ केयरफुली, यानी कि सावधानी पूर्वक, देखभाली से, केयरफुली मतलब ये तो होता है, तो चल रहा हूँ आगे की ओर। विंग एक प्लेस पर लिखता है अपने खून से, मतलब अपने हाथ से अंगूठा से काट के ब्लड गिरता है, तो वो किसी पेज पे से मतलब ड्रॉ करता है, कुछ लिखता है। तो लिखने के बाद फिर जो सील्ड एंट्रेंस था लैन क्लैन का वो टूट जाता है, उसका जो सील्ड जो थी वो टूट जाती है, फिर जो सील थी वो टूट, सील्ड पर जो क्या नाम है, शील्ड इन गेम कवच पर जो उसने खून से लिखा हुआ जो लेटर डाला था, तो उसे दीवार तो टूट गई, मतलब जो सील थी वो तो टूट गई। फिर जो लैन क्लैन के अंदर विंग लैन क्लैन के एंट्रेंस से इनके द्वार से जाता है, तो विंग पास करता है लैन क्लैन के एंट्रेंस से, वहाँ पे वो साथ में अच्छी चीज़ें भी लाया होता है मार्केट से। फिर यहाँ भी वो सोचता है कि मैं जैसे जियांग क्लैन में जाता था चढ़कर वॉल्स पे इनकी दीवारों पे, तो और यहाँ पर भी मैं ऐसे ही करूँगा, तो इसलिए मैं जा रहा हूँ यहाँ पे लैन क्लैन में, और मैं जा रहा हूँ वॉल्स यानी दीवारों पर चढ़कर यहाँ पर आगे चढ़ रहा हूँ। तो अब मैं नहीं जानता हूँ कि इसकी मुझे क्या पनिशमेंट मिलेगी, मैं सोच यह रहा था जब वह मुझे बोल रहा था, कौन बोला था, वांग जी बोला था कि वो भी इनके पीछे था, इसलिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो वह मुझे देखा था और वह समझता है कि ये नया था, और वह मुझे बोला था कि तुम रुको यहाँ पे, तुम पुराने नहीं हो यहाँ पे, तुम मुझे पुराने नहीं दिखते हो यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे लेट हो, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे, जो बींग के विंग जो रूल्स हैं वो ब्रेक करे, मतलब तोड़े, कोई भी इस रूल को तोड़े, मैं नहीं चाहता हूँ, वांग जी कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ लूँगा, आई लव हिज एट फर्स्ट टाइम,
फर्स्ट साइड सॉरी, तो जो लवांग जी वो कहता है कि मैं उसके पहली नज़र के पहले प्यार में पड़ गया, यू हैव ब्रोकन मैनी रूल्स। लवांग जी तो फिर दोबारा कहता है लनवांग जी कि तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़े हैं, तो मैं यहाँ तुम्हें दिखा रहा हूँ, वहाँ 3000 रूल्स यहाँ हैं और यहाँ के जो रूल्स हैं वो तुम्हारे द्वारा तोड़े गए हैं। फिर कहता है कि मैंने जो तुम्हें तुमने जो ये रूल्स तोड़े हैं तो भैया मैं 3000 रूल्स के बोर्ड को तुम्हें ले जा रहा हूँ। फिर वह मुझे देखता है रूल्स बोर्ड के सामने आके बिठा देता है और कहता है कि तुम देखो तुमने कितने सारे रूल्स तोड़े हैं। फिर बोलता है कि लेट मी टेल यू अबाउट द टैक्स ऑफ ब्रेकिंग सम ऑफ द रूल्स हियर, यहाँ के जितने भी 3000 रूल्स में से तुमने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे इस अभियाने की टास्क के दौरान, कार्य के दौरान, टास्क के यानी कि यहाँ पे काम है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो कहता है कि यहाँ पे तुम आधी रात में आए हो और ये मना है यहाँ पर आना रात में लेट, और यहाँ पे मना है कि रूल्स जो वोसू लाइन का जो कवर सिक्योरिटी कवर था उसे तोड़ना, ये भी मना है, फॉरबिडन है, जो अल्कोहल यानी कि जो शराब होती है इसको पीना और लाना, यहाँ पे शराब मना है, शराब अंदर नहीं ला सकते हैं, और ये मना है दौड़ना, मना है वॉल्स पर चलना, वॉल्स यानी दीवारों पर चढ़ना आदि। तो तुमने इतने सारे रूल्स तोड़े हैं, द रूल तुमने इतने रूल्स तोड़ चुके हैं।